इमरान मसूद को अच्छा खासा वोट मिला है और बढ़िया वोट मिला है इस बार इमरान मसूद की जो चुनावी रणनीति रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर लोकसभा की बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा देवबंद में इस समय हम मौजूद हैं। आप सभी को पता है चुनाव तो संपन्न हो चुका है, अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऊंट आखिर किस करवट बैठ रहा है, क्या यहाँ से इमरान मसूद चुनाव जीत रहे हैं या फिर राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं या फिर माजिद अली यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, और ख़ासकर ये जो देवबंद विधानसभा है यहाँ पर किस तरीके के समीकरण इस चुनाव में बने हैं और यहाँ पर किसकी जीत हार हो रही है, ये सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार प्रशांत त्यागी मौजूद हैं, जिन्होंने इस चुनाव में ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की है, लोगों के मन को टटोला है। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तान 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका आप आए हमारे पास, आपका स्वागत है। एक तो पहले देवबंद में प्रशांत जी, आपने 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखा होगा, 2022 का विधानसभा चुनाव भी देखा होगा, तो जिस तरीके से मोदी मैजिक और योगी मैजिक यहाँ पर चलता रहा है, तो क्या इस चुनाव में भी वो कहीं खासकर देवबंद विधानसभा सीट पर आपको दिखाई दिया? जी बिल्कुल, मोदी और योगी जी का मैजिक तो सदा चलता रहा, क्योंकि वो चल भी रहा है, और मोदी योगी जी से किसी को कोई नाराजगी भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें चुनाव की, तो जो संगठन स्तर पर कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है, लेकिन अच्छा परसेंटेज हुआ है, तो मेरा उम्मीद है कि शायद देवबंद से इस बार भाजपा 35+ के करीब लीड लेकर निकलेगी। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें कितने परसेंट मतदान हुआ था और इसमें कितने परसेंट मतदान हुआ है 24 में? 2019 की अगर बात करें तो 68-70 के आसपास देवबंद का पोलिंग था, इस बार 66 के आसपास है, तो 1-2% कम है, और वो हर जगह ही है, वो हिंदू मुस्लिम में आप कहीं भी ले लो, हर पोलिंग बूथ पर परसेंटेज कम है इस बार। इसका नुकसान आप किसे देख रहे हैं जिस तरीके से मतदान कम हुआ है? नुकसान की बात करें तो गठबंधन को भी नुकसान है, भाजपा को भी नुकसान है। कुछ जैसे आप ठाकुर बेल्ट में ले लीजिए, वहाँ परसेंटेज कम रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भाजपा को नुकसान हो। कुछ मुस्लिम एरिया में काफ़ी परसेंटेज 50-55 तक ही पोलिंग पहुँच पाया, जहाँ 65 जाता था, तो वहाँ गठबंधन को नुकसान है। तो नुकसान तो और जगह दोनों दलों को ही मेरे हिसाब से इस बार होगा, पोलिंग परसेंटेज में भी और नतीजे भी शायद चौंकाने वाले हैं। इस बार कितने वोट पड़े हैं इस बार प्रशांत जी? यहाँ 66% पोलिंग है, 224,000 के करीब वोट पड़े हैं, 224,000 के आसपास, 224,000 के आसपास। अब उसमें से मेरे हिसाब से 125 तक तो सपा बसपा दोनों ले जाएंगे, 65 के करीब इमरान मसूद और 55-60 के करीब यहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी हैं माजिद अली वो ले जाएंगे, क्योंकि दोनों उनके साथ एक दलित वोट बैंक प्लस का जो जोड़ा है माजिद के साथ, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस रहा, और प्लस में मुस्लिम को भी यहाँ से उन्हें 15-20 के करीब वोट मिला, तो वही दलित परसेंटेज 40,000 के करीब दलित का वोट पड़ा है, SC समाज का, जाटों का जिनको बोलते हैं, और 20-25 के करीब उनको, 60 के करीब वो और अन्य वो, यानी कि 65 के करीब इमरान मेरे हिसाब से, अपना जो मेरा अपना आकलन। उसके बाद 1,05,000 या 1,02,000, 1 से 5 तक के बीच में भाजपा को यहाँ से वोट मिला, भाजपा को बल्कि विधानसभा चुनाव में यहाँ 95,000 वोट मिला था 22 में, इस बार 10,000 वोट कम से कम बढ़ा है, ये BJP के लिए प्लस पॉइंट है। समीकरण होते हैं उस समय 22 में कार्तिकेय राणा यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं वोट फटना था, लेकिन इस बार वो हुआ है। लेकिन इस बार एक आकलन हुआ है, जिस तरीके से ठाकुरों में एक आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का आक्रोश BJP को नुकसानदायक भी था, लेकिन एक जगह वो प्लस पॉइंट भी हो पाया, वो इस वजह से आया कि कहीं ना कहीं मीर भोज, सम्राट मीर भोज प्रकरण को लेकर आपस में दोनों होना नहीं चाहिए इस प्रकार की बात, क्योंकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो सबके लिए सम्मान होती है। तो उसका परिणाम ये रहा कि जैसे उन्होंने वहाँ से महापंचायतें हुई, उसका एक हर चीज़ की जब आप क्रिया करोगे तो एक प्रतिक्रिया होती है, तो
तो प्रतिक्रिया स्वरूप बात करें तो जो गुज्जर समाज है उसने फिर और ज्यादा परसेंटेज को प्लस में किया बीजेपी। मेरी कहीं मैं चुनाव में घूम रहा था गुज्जर बहुल गांव में, मैं काफी गया, युवाओं से मैंने बात की, मैंने कहा भाई क्या चल रहा, तो उन्होंने कहा, कहने लगा जी ये है जी वो है जी, नाराजगी तो हमारी भाजपा से थी लेकिन अब वोट देंगे हम। तो कहीं ना कहीं उस पंचायत का एक प्लस बीजेपी को मिला, और जो ठाकुर बीजेपी को मिलना था वो मिला ही है। मैंने रनखंडी भाईला सिमलाना कई गांव में मैंने देखा, तो वहां से लगभग मेरे हिसाब से 5 से 7 हजार इमरान मसूद को भी ठाकुर वोट मिला है, जो जिससे हम डिनाई नहीं कर रहे, जो वास्तविकता है। समीकरण होते हैं हर चीज के राजनीति, मतलब जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की नाराजगी से हुआ तो वो गुजरों ने उसकी भरपाई होगी, जो क्योंकि जो गुज्जर ओल्ट जो भाजपा की विचारधारा का नहीं था, जो गठबंधन को जाना था वो भाजपा पर गया, लामबंद होकर उन्होंने वोटिंग किया। वो एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई अगर आप हराने में कहीं ना कहीं दिलचस्पी ले रहे हो तो हम जिताने में, आप हराने के प्रयास करोगे तो हम जिताने में लगेंगे। और मैं आपको एक बात, एक ऐसा तबका है विपिन जी जिसके बारे में मीडिया पर कभी चर्चा नहीं, वही बीजेपी की जीत का आधार होता है, जिसको मीडिया कहीं गिनता ही नहीं। मीडिया की एक पुलिस होती है, इतना गुज्जर है जी, इतना जाट है, इतना ठाकुर है, इतना त्यागी है, इतना ब्राह्मण है, इतना बनिया है, लेकिन एक तबका होता है पिछड़ा वर्ग, जिसको हम कस्सा बढ़ई सैनी धीमान, ये इतना वोट बैंक होता है। अगर आप सहारनपुर की बात करें तो वही 14% 15% पोलिंग है, उसको जिसको हम कहीं गिनते ही नहीं, जिसको फिर जिसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं वो लामबंद बीजेपी के पक्ष में हुआ है 99%। राघव लखनपाल ब्राह्मण नेता थे तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज का वोट उनको जाना था, 1.25 लाख वोट त्यागी था, तो त्यागी समाज का 100% में तो मानना वोट में गया। तो हर चीज इनको कोई फोकस नहीं करता। प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े बताए कि इमरान मसूद को यहाँ पर इतना वोट मिल सकता है और माजिद अली को यहाँ पर इतना वोट मिल सकता है, तो जो आंकड़े आपने माजिद अली को लेकर बताए तो उसमें एससी समाज का आप कितना वोट मानकर चल रहे हैं और मुस्लिम समाज का कितना वोट मानकर चल रहे हैं? एससी समाज की अगर बात करें तो 70-75 हजार इनका वोट बैंक है, 70-75 हजार में से इनका 65% खुला, तो वही 40-45 हजार वोट पड़ा, तो 45 में से 2-4 हजार इधर गया हुआ है। देखने को एक बार मिला कि कुछ अब की बार एससी समाज के वोट बैंक में 2-3-4% भाजपा ने सेनमारी कर दी, जो क्योंकि उसके एक रीजन रहा, जब मोदी जी आए थे वहाँ पर सहारनपुर में तो अम्बेडकर जी की जो उन्हें मूर्ति दी गई तो चुनाव एक बहुत बड़ा समीकरण था, उसने बहुत कुछ खेल बदला। दूसरा 40-35 हजार वोट तो उनका अपना है ही है एससी समाज का, जो बसपा पर, क्योंकि बसपा का कैडर वोट होता है सारा गया है, कोई सेनमारी बहुत दावे किए जा रहे कि इमरान मसूद के खेमे के द्वारा भी, इमरान मसूद जी के जो खेमा है उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं जी, दलित वोट पड़ा है भीम आर्मी का सुन। बसपा का वही एक तबका ऐसा होता है जाति का जो लोकतंत्र के पर्व को एक त्योहार की तरह मान के चलता है। जी जी, तो मुस्लिम वोट आप कितना मानकर चल रहे हैं माजिद अली को यहाँ इस सीट पर? मेरे पास मुस्लिम की अगर बात करें, उनकी बिरादरी का देवबंद विधानसभा में काफी वोट है और 60% में वो रहे हैं, 40 में इमरान मसूद का। चुनाव से 3 दिन पहले की बात, हम गए थे उधर तो कुछ गांव थे ऐसे थे गार्ड हो गए जहाँ पर इमरान मसूद को कार्यक्रम करने के लिए भी जगह नहीं, वो गाँव एक तरफा उन पर गए, उनमें मानकी भी है और जो आपका तिगरी भी है, उनमें राज्यपुर इमरान का गया है, लेकिन जो गार्ड गोपाली है गोपाली में 80% पोलिंग उसके पक्ष में ही है माजिद के। जातिवाद पर गए, वो गाड़े नागल के कुछ गांव पड़ते हैं वहां से भी वोट मिला है। मैं मानना कि भाई इमरान मसूद के पास बढ़िया वोट गया है मुस्लिम, लेकिन जो गाढ़ा बिरादरी का है वो कहीं ना कहीं जाता है, जैसे आप गुज्जर बिरादरी से, गुज्जर अगर प्रत्याशी होता तो समाज का वोट तो जाता ही। राजेंद्र जी लड़े थे पिछली बार तो जो गुज्जर का बहुमत में वोट गया था वो उनके पास में गया था, राजेंद्र जी 10-12 हजार बीजेपी को गया था, बहुमत मत उनके पास ही गया, तो ऐसी बात नहीं गाढ़ा वोट गया। यही टैक्ट है कि जैसे 16 हजार में इमरान मसूद रह गए थे, अगर देवबंद में माजिद, भाई मैं तो मानता नहीं कि भाई वो 16 हजार लेंगे, 35-40 तो उनको एससी समाज का वोट मिल रहा है, अपनी बिरादरी का तो इमरान मसूद के बराबर ही रहेंगे यहाँ तो।
इमरान मसूद को मुस्लिम तबके का वोट मिला है, 5-7, 5-4 से 5 हजार ठाकुर वोट बैंक उनके पास गए तो वो उनको रहेगा। 1,09,000 वोट है यहाँ, 65% पोलिंग है, 65,000 वोट पड़ा है मुस्लिम, मुस्लिम मतलब 15-20 हजार तो आप उनका मान लो कुछ। इसी बात में 2-3 हजार बीजेपी का मुस्लिम गया यहाँ पे, जो बीजेपी का था अपना वोट बैंक। तो इसी बात में समीकरण हुआ है और चीजें बहुत बदलाव है। मतलब आपका मानना ये है कि राघव खंडपाल शर्मा इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं लगभग 30-35 हजार वोट? देखिए विपिन जी मैं बात करूँ, सहारनपुर लोकसभा में 5 विधानसभा है, बेहट से इमरान मसूद लीड लेंगे, मेरा अपना जो आंकलन है देहात सहारनपुर देहात से इमरान मसूद लीड लेंगे, लेकिन उनके पीछे पीछे दूसरे नंबर पर राघव ही रहेंगे। तीसरा आता है सहारनपुर में 4,27,000 वोट है, वहाँ से बीजेपी लीड लेना शुरू करेगी, बेहट की लीड रामपुर तक उतरेगी आकर, और देवन फैसला करता है, देवन विधानसभा निर्णय करती है। थोड़ा सा एक कमी रही, कुछ कमियां भी होती हैं, बीजेपी का जो जो जनता में नरेंद्र मोदी या योगी जी के प्रति नाराजगी नहीं थी, स्थानीय कुछ प्रतिनिधि नेताओं के प्रति नाराजगी थी, जिसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। उसका परिणाम यह है जो कैडर था बीजेपी का मेन कैडर जिसको बोलते हैं वो थोड़ा लेट खड़ा हुआ, अगर वो चुनाव से कुछ समय पहले और ज़्यादा खड़ा हो जाता तो बहुत अच्छा परसेंटेज भी बढ़ता और बहुत अच्छा। मेन कैडर होता है चुनाव का, चुनाव लड़ाता है कैडर, नेता चुनाव नहीं लड़ाता। जो आज मोदी जी और योगी बैठे वो कैडर के दम पर बैठे वहाँ, और वही कैडर थोड़ा स्थानीय प्रतिनिधियों के जो व्यवहार कार्य प्रणाली रही, क्योंकि वो उन्होंने अपनी अलग भाजपा खड़ी कर ली तो उसका परिणाम थोड़ा रहा है। मतलब भीतरघात आपको नजर आया यहाँ देवबंद विधानसभा में भाजपा में? देवबंद में नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कई स्थानों पर से। जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो वो अपने अनुरूप संगठन को डालने का प्रयास करता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वो चाहता है प्रमुख तुम्हारा बने, चेयरमैन तुम्हारा बने, छोटे से छोटे चुनाव में तुम्हारा हस्तक्षेप शुरू हो जाए। तो जब ये नेता के अंदर कोई ना कोई चीज आनी शुरू हो जाती है विपिन जी, तो वो पार्टी को नुकसान होती है बहुत, उसमें से कार्यकर्ता संगठन के ऐसे लोग दरकिनार हो जाते हैं जो जिनका हक बैठता है, तो वो चीज नुकसानदायक रही है। माविया अली की इस चुनाव में किस प्रकार की भूमिका रही? माविया अली बहुत सुलझे हुए नेता हैं देवबंद में, मैं ना मानता हूँ वास्तव में बहुत, क्योंकि मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, वो काफ़ी करीबी उनसे मैं जुड़ा रहा, जुड़ने का मतलब ये रहा कि बातचीत उनसे होती थी, बहुत गंभीर नेता, उन्होंने ना तो गाड़ों की नाराजगी ली, इमरान के लिए वोट खड़ा को, और ना ही उन्होंने इमरान की नाराजगी ली, माजिद के लिए समर्थन किया। बेसिकली सपा के नेता थे तो समर्थन तो उनका अपने गठबंधन को जाना था, इमरान के फेवर में नहीं जाना था उनका, लेकिन वो खुलकर नहीं सामने, वो ना क्योंकि वो 2027 को लेकर तैयारी लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 2027 के इर्द गिर्द उनकी अपनी राजनीति रही है, तो उन्होंने ज़्यादा रिक्स नहीं लिया चुनाव में, साइलेंट रहे बस, जो उनका सपोर्ट था वो सबको पता ही था, इमरान मसूद को उनका सपोर्ट था, लेकिन वो गार्डों को ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ, साइलेंट रहे। तो रणनीति तो मुस्लिम वोट जो है उसमें आपका क्या मानना है? इमरान मसूद ज्यादा वोटों में रहे हैं यहाँ पर देवबंद विधानसभा? इमरान मसूद कोई शक नहीं है, इमरान मसूद को अच्छा खासा वोट मिला है और बढ़िया वोट मिला है इस बार। इमरान मसूद की जो चुनावी रणनीति रही वो कहीं ना कहीं अलग थी भाई, कहीं ना कहीं वो राम के आखिरकार चुनाव हुए, चुनाव के बाद तो राम उनके मुंह से गायब ही हो गए, चुनाव तक थे लेकिन स्वाभाविक था कि उन्होंने किया। लेकिन इस बार मैं आपको एक बहुत गहरी बता रहा हूँ बात, शायद आप काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं, ये वो बात आपको बता नहीं पाएगा, ये लोकसभा जो 2024 का चुनाव है 2027 की ये भारत तय करेगा। क्यों करेगा? कि अगर पश्चिम यूपी में सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर लॉस हो जाती है, बीजेपी लॉस कर देती है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा उम्मीद कि ऐसा होगा, लेकिन बाई चांस अगर हो जाती है तो उसका जो कहीं ना कहीं जो ठीक रहा है वो कुछ फूटना भी है नेताओं के से, तो 2027 को नेताओं को अपनी जमीन बचानी मुश्किल पड़ जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है।
मतलब कैना लोकसभा पर प्रत्याशी थे भाजपा से प्रदीप चौधरी, वो गुर्जर समाज से थे, वहां उनका विरोध राजपूत समाज कर रहा था। सहारनपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी थे राघव लखनपाल शर्मा, जो ब्राह्मण समाज से थे, यहाँ पर भी उनका विरोध राजपूत समाज कर रहा था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी थे भाजपा के संजीव बालियान, वो जाट समाज से थे, वहाँ पर भी उनका विरोध राजपूत समाज कर रहा था। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि 2027 में ये सभी जातियाँ मिलकर, मतलब ये जो राजपूत समाज है इसका विरोध करेंगी क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका बीजेपी लॉस कर जाती है सीटें, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम होगा। अगर बाई चांस जैसे देवबंद की अगर बात करें, तो देवबंद में गुज्जर मतदाता काफ़ी हैं, त्यागी ब्राह्मण मतदाता काफ़ी है, जाट भी हैं वहाँ पर वोटर। अगर राघव जी को कुछ लगभग ऐसा हो जाता है, पहले उम्मीद नहीं है लेकिन 1% अगर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में तो नाराजगी होगी, भाई आप लोगों ने हमारे प्रत्याशी का विरोध किया, आपकी वजह से हमारे, तो हम आपके प्रत्याशी को क्यों जीतने दें। संगीत सोम जी हैं, कल को उन्हें भी चुनाव लड़ना है। संगीत सोम जब कल वहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जाट उनके खिलाफ मुखर होगा, भाई आपने हमारे हमारी कास्ट के प्रत्याशी का विरोध किया। कल प्रदीप चौधरी है, कल यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी सहारनपुर से, ठाकुर प्रत्याशी दो लड़ते हैं यहाँ से, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं गुजरों का विरोध झेलना पड़ेगा कि भाई आपने हमारे प्रत्याशी का विरोध किया। तो हर जाति से कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति हुई, ये मेरा जो मानना है बहुत बड़ा नैरेटिव था, ये कहीं ना कहीं ठाकुर समाज को भी बरगलाया गया इसमें, इस पूरे खेल में उन्हें बरगलाया गया कि पता था कि अगर हम इनको टारगेट करेंगे, अब इनकी वजह से ये लोकसभा आ रहेंगे, जब कल विधानसभा आएगी तो फिर ठाकुर यानी कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका नुकसान पहुंचेगा। ये एक तीर से निशान ने खेल ले गए तीन। पहला निशान ना कि भैया लोकसभा में नुकसान बीजेपी को, दूसरा निशान ना 2027 में बीजेपी के जो चेहरे हुए खत्म होने यानी कि ठाकुर नेता हारा, तीसरा निशान ना योगी जी का प्रतिनिधित्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम हो, ताकि योगी जी को भी एक पकड़ कमजोर हो, और योगी जी एक माहौल तैयार किया गया कि केंद्र सरकार मोदी जी उनके खिलाफ नाराज हैं, अमित शाह उनके खिलाफ हैं, या अन्य राजनीतिक दल भाई बड़े जो पार्टी हाईकमान योगी जी के खिलाफ है, जब किसी कोई बात हमें तो कहीं स्वाभाविक नजर नहीं आई, हमारी वो कह रहे थे कि योगी जी को मेरठ में ये किया, तो कुछ बातें बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें निकल खाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सहारनपुर का जो चुनाव है बड़ा अच्छा चुनाव हुआ है, बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, कहीं से किसी प्रकार की विवाद नहीं, और चुनाव में जातीय तनाव जातीय विवाद बयान ये तो चलते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आज हम किसी के लिए कहीं ना कहीं भाई किक्कर का बीज बो रहे, जिसका गांव में कहना ना किक्कर, तो कांटा तो कल को अपने बीच बनाओ, तो अंधा घोड़ा है। चलिए, तो प्रशांत त्यागी जी को आपने सुना, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।